कोई आशीर्वाद नहीं, जबकि देखो आप और ये देखो तत्कालिक जो उसका कोई महत्व नहीं होता। अलौकिक कोई कामना बन जाए तो जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो कामना वाली चीजें तो टिकेंगी नहीं ना, हमको एक अविनाशी कमाई करनी है। प्रकट में सब करते रहना है, अविनाशी बैंक हमारी राधा नाम की है, राधा 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 इससे सब आनंद है। खूब नाम दे राधा श्री राधा श्री राधा। देखो एक बड़ी गूढ़ बात मिल रही है, ध्यान पूर्वक श्रवण करने से और शरणागत होने से वो महापुरुषों के वचन के बीच का राज से प्रकाशित होता है। जब गुरुदेव के द्वारा हमें नाम मिलता है और हम नाम जब शुरू करते हैं तो नाम जब ही हमारे हृदय के सारे विषयाकर्षण के विकारों को नष्ट करता है। कहने को तो एक शब्द हो गया है, जिसे पूज्य बाबा ने कहा कि कृष्ण नाम का जब हम जप करते हैं तो कृष्ण नाम साधक को योग्य बना देता है प्रेम के, प्रेम के योग्य नाम बनाता है। कृष्ण नाम ही कृष्ण है, तो जब हम नाम जप करते हैं तो प्रेम तक पहुंचने की यात्रा है। कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम, वही प्रेम रूप, वही रूप होता है, इसके बीच की जो यात्रा है वो समझना होगा। जब उपासक नाम जब अधिक से अधिक करता है तो उसका बलवान मन जो विषयी है वो उसे नाम से विलग करना चाहता है, वो उसके जो हृदय में परम शीतलता प्रदान करने वाला गुरुदेव प्रदत्त नाम है उसे दूर करना चाहता है। तो इतनी जलन प्रकट होती है, ऐसा विषय आकर्षण लगता है कि जब नाम जप नहीं कर रहे थे तब तो अच्छा था, अब जब से नाम जप शुरू किया तभी से भारी प्रतिकूलता व्यवहार में आंतरिक ये आना प्रारंभ हो रहा है। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता है, अनुकूलता नहीं मिलती है, कई तरह के व्यवधान आपको दिखाई दे सकते हैं। ये अनुभव की बात कह रहे हैं, वहां से और प्रेम तक के बीच की यात्रा। अभी 42 लीला में पढ़ रहे थे कि भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रनमान, खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवत नाय। नाम जप करने वाला उपासक ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला चाहिए कि चाहे शरीर खंड खंड हो जाए पीछे लौट के नहीं देखना। जैसे बलवान योद्धा युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होता है और वो उसी प्रयास में प्राण त्याग देता है, पर भागता नहीं, लौटता नहीं, पीछे कदम नहीं डालता। भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन मान, ऐसा ही हमको दृढ़निष्ठ होना पड़ेगा। अंदर से हमें विकार परेशान करेंगे और बाहर से व्यवहार प्रतिकूल होगा, विश्वास पूर्वक चलना होगा, निश्चित व्यवहार प्रतिकूल होगा। जैसे आप भजन बढ़ाओगे वैसे ही आपको व्यवहार की प्रतिकूलता मिलेगी, क्योंकि व्यवहार सत्य वस्तु नहीं है और आपने उसे सत्य मान रखा है। तो उस भाव को नष्ट करने के लिए जो आपने व्यवहार को सत्य मान लिया है, अब वो नाम आपको असलियत दिखाएगा। तो जब उसमें दुखद बुद्धि होगी, जब उसमें ये बुद्धि होगी कि इसके द्वारा हमें अशांति प्राप्त होती है, तो आप उस विषय से उदासीन हो जाएंगे, आपके हृदय में संसार के प्रति त्याग का भाव प्रकट होगा। पर हम समझ ना पाने के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि जब से हम शरणागत हुए, जब से हम भजन मार्ग में लगे,
जब से नाम जब शुरू किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिकूलता। जो उपासक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कटु वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में और सेवक वाणी में, सेवक वाणी में सेवक जी कह रहे, शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। गीता भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, तास्तितिक्षस्व भारत। तुम्हें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, प्रतिकूलता मिल रही है, अनुकूलता मिल रही है।